हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर 100 डेज सर्वाइविंग हार्डकोर वीडियो। जी हाँ गाइस, एक बार फिर से हम सर्वाइव करने जा रहे हैं 100 डेज, वो भी हार्डकोर में, वो भी आइस बायोम के अंदर। तो भाई अभी तो मैं अपने घर के अंदर हूँ, क्योंकि ये हमारी इस वीडियो का पार्ट 3 है भाई। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो आई कार्ड बटन में और इंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में सब जगह दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लेना। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ बनाया था एंड पार्ट 2 में ये घर वर सब बनाया था, तो जाके देख लेना। मैंने आई बटन में दे दिया है लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी। तो भाई आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसा, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में हमने नहीं ढूंढ पाए थे जैसे लैपिस लाचूजी वगैरह वगैरह, तो हम वही लैपिस लाचूजी ढूंढेंगे, जो भी हो, कोई कमेंट नहीं करना, उल्टा सीधा नाम ले रहा हूँ। तो वो ढूंढूंगा और अपनी आर्मर को इंचेंट करने वाले हैं, तो इसलिए हम सर फ्रैक से माइंड में चलते हैं। तो भाई माइंड में जाने के बाद, भाई काफ़ी सारी देर तक जाने के बाद मेरे को फाइनली मिलता है आयरन ओर और ये सब जॉम्बी। इनको मारने के बाद मेरे को फाइनली मिलता है लैपिस लाचूजी, जो भी है, हम लैपिस इसे बोलेंगे केवल। तो हम इसे फटाक-फट तोड़ लेते हैं भाई। तो काफ़ी सारा हमको मिल जाता है तोड़ने पर, और पानी वानी रोको भाई, फटाक से तोड़ लेने दो यार, इसको फटाक से तोड़ लेते भाई। तो फटाक से तोड़ने के बाद भी हमको 1.5 स्टैक के करीब मिल जाता है, और आयरन भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो उसको भी ले लेते हैं फटाक से। एंड एक चेस्ट आए और बना देते हैं, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल रख के, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री फुल थी और हम माइनिंग करने आ गए भाई। ऐसा कोई गलत है नहीं ना, लेकिन मैंने करी ऐसी गलती, इसलिए मैं फटाक से टॉर्च आगे बनाता हूँ और आगे चलता हूँ इन्वेंट्री खाली करके। और मुझे और लैपिस मिलता है, मैं उन्हें तोड़ना कैसे भूल सकता हूँ भाई, तोड़ता हूँ भाई। एंड फिर आगे मुझे डायमंड मिल जाता है, लिटरली भाई डायमंड मिल जाता है। और फिर क्या, इतने सारे डायमंड देख के तो वहाँ भाई छुप रहेगा क्या, डायमंड भी तोड़ लेता है, क्योंकि इस समय उसे डायमंड की भी ज़रूरत है। और फिर कुछ आयरन मिलते हैं तो आयरन भी तोड़ लेता है तुम्हारा भाई। वैसे तो तुम्हारा भाई 1 स्टैक आयरन से नीचे ले जाने वाला नहीं था, लेकिन क्या करें, आगे हो जाती है माइंड ख़त्म, इसलिए वो वापस जाता है। हाँ भाई मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि पहली बार इधर साइड आया तो माइंड ख़त्म हो गई, अगली बार दूसरी तब जाएंगे तो माइंड ख़त्म नहीं होगी, उधर साइड वाली माइन करने का आज मैंने सोचा था। फिर मैं काफ़ी सारा कॉपर भी तोड़ लेता हूँ और ऊपर की तरफ निकल लेता हूँ, ऊपर की तरफ निकलने से कोल वोल भी तोड़ता हूँ, और फिर सीधे घर में पहुँच के काफ़ी सारा कॉपर कोल ये सब लेके भाई। रिकॉर्ड तो मैंने किया था, मैंने सोचा था डालूंगा, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने उसे ट्रिम एंड कट कर दिया, तो इसलिए उसे नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन भाई काफ़ी सारा कॉपर को और आयरन को मैं यहाँ जलने के लिए रख देता हूँ, और 38 आयरन इंगन मेरे पास हाथ में होते हैं, और इधर 13 पर रहे हैं, लेकिन मैं उसे नहीं उठाता हूँ, और अपने डायमंड वहाँ रख के इधर आ जाता हूँ इंचेंटिंग रूम में, और टेबल इंचेंटिंग टेबल इंचेंटिंग रूम जो भी बोल लो उसे, यहाँ आ जाता हूँ मैं। तो फिर मैं अपने आर्मर उतारता हूँ भाई, लिटरली मैं अपने आर्मर उतारता हूँ, और फिर मैं इधर इस रूम में जाने, मतलब अपने मेन घर में जाता हूँ। लेकिन देखता हूँ भाई, यहाँ रास्ता पूरा वो बर्फ़ हो गया भाई, बर्फ ही बर्फ़ गिर रही है आजकल तो। और फिर मैं इस चेस्ट में सारा सामान अपना फालतू सामान रख देता हूँ, क्योंकि चेस्ट खाली करना ज़रूरी है। और यहाँ मैं कॉपर इधर जलने भुनने के लिए डाल देता हूँ, और काफ़ी सारा सामान खाली कर देता हूँ भाई, क्योंकि हमें करना है अपना आर्मर इंचेंट। तो भाई आर्मर इंचेंट करने के लिए सारा सामान डालने के बाद इंचेंटिंग टेबल पर वापस आ जाता हूँ, इंचेंट करने के लिए शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले लैपिस लगाने से पहले मैं देखता हूँ कि क्या कितना इंचेंट हो पाएगा। तो भाई लेवल एक्सपी लेवल 30 भाई, लिटरली इतना ज़्यादा लेवल लगेगा, और मेरे पास है 21 के करीब या ऐसे कुछ हैगा, पता नहीं भाई। मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी इस समय देख रहा हूँ तो मेरे को दिख नहीं रहा, अभी देखते हैं। तो भाई स्वैड पे क्या लगा लूँ, शार्पनेस सेकंड, लिटरली मैं शार्पनेस सेकंड लगाऊंगा कि क्या लगाते हैं भाई, शार्पनेस सेकंड मैंने लगा लिया है भाई, लिटरली मैंने शार्पनेस सेकंड लगा लिया है। एंड फिर उसके बाद सारे जूते वूटे वापस से पहन लेता हूँ मैं, शार्पनेस सेकंड लगाया फर्स्ट लगाया पता नहीं, लेकिन जो भी लगाया पहन लेते हैं। एंड फिर अब और भाई ये देखो, लिटरली मैं कुछ समय बाद मैं अपनी पीएस को भी इंचेंट कर देता हूँ, और फॉर्चून 3 लग जाता है उस पर, और एफएनसी कुछ और फॉर्चून 3। भाई मैं इतना उस समय दुखी होता हूँ भाई, मैं पहले डायमंड क्यों तोड़ने चला गया, अगर उस समय मुझे डायमंड ना मिले होते, बाद में मिलते, तो भाई लिटरली मैं यही फॉर्चून वाली पिकैक्स से डायमंड डबल कर लेता। और मैं सोचा था एक्सपी फार्म बनाऊँ, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, अपना यही एक्सपी फार्म है, लेकिन फिर भी मैं एक एक्सपी फार्म बनाऊँगा, पहले इसे ठीक कर देते हैं, फिर जल्दी से चलते हैं एक्सपी फार्म बनाने के, आपको सीधा बना हुआ दिखाते हैं एक्सपी फार्म। और आज की वीडियो में कुछ दिखाएंगे ऐसे एकदम बना हुआ एक्सपी फार्म दिखाएंगे। वैसे तो मैं एकदम रिकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से पहले करता हूँ, टॉर्च लगा देता हूँ पहले तो। A few moments later. फिर अब सीधे चलते हैं एक्सपी फार्म बना हुआ दिखाने, हाँ बना हुआ दिखाने, क्योंकि मैंने बना लिया है
चलो उसे बनाया हुआ दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले सो जाता हूँ भाई। सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नींद के लिए भाई। अबे भाई मॉन्स्टर नट भी है। चलो भाई मैं सीधे सो के आता हूँ एंड फिर देखते हैं क्या होगा। तो भाई जल्दी जल्दी चल मेरा प्लेयर भी थक जाता है भाई, उसको खाना ना खिलाओ। तो चलो अब से यहाँ तो सो जाओ भाई। भाई इतना आलीशान बंगला होने के बाद भी कुटिया में सोना पड़ रहा है, क्या फ़ायदा इतने आलीशान बंगले का। तो भाई दिखाओ, ये देखो एक्सपी फार्म भाई, जिन लोगों ने नहीं देखा देख लो। काफ़ी लोगों को बता दूँ कि ये एक्सपी फार्म है वर्किंग। और तो चलो थोड़ा 3D व्यू ले लो और फिर उसके बाद में दिखाते हैं आपको एक्सपी फार्म पूरा का पूरा। तो भाई यहाँ ये साइलेंट पे भी कुछ बनाऊंगा, मैंने बनाया था लेकिन बनाया नहीं। तो भाई यहाँ पर काफ़ी देर बाद सर्वाइव करने के बाद मेरे को कुछ जॉम्बीज स्पॉन हो जाते हैं, फिर मैं उन्हें मारता हूँ धीरे 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 और कुछ एक्सपी मिलती है। तो लिटरली मैं सारी एक्सपी कलेक्ट करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई मैंने काफ़ी सारी एक्सपी कलेक्ट कर लिए, लेकिन मैं यहाँ सोने आया हूँ क्योंकि रात हो रही है। और फिर मॉन्स्टर नर भी, पता नहीं ये मॉन्स्टर हैं कहाँ भाई, मेरे को पता चल जाए एक बार लिटरली मैं मार डालूंगा। इधर साइड कोने में तो है नहीं। अच्छा मैंने ये फ्लैट, वो भाई मैंने एक राज की बात बताई नहीं, ये मैंने फ्लैट बनाया था इसकी बराबरी के लिए, लेकिन नीचे साइड जो थे ना वहाँ पर मैंने कुछ भरा ही नहीं। ओ भाई फटना नहीं, फटे हो गए हो यार तुम तो। जो सारे सामान कलेक्ट करके वापस से लगाते तो नीचे मैंने कुछ नहीं लगाया, एकदम खाली है, इसीलिए थोड़ा होगा ऐसा स्पॉन हो रहे होंगे। तो वहाँ मैं लावा डाल दूंगा, टेंशन मत लो लावा डाल दूंगा, नेदर से लावा बहुत मिलता है अपने को। तो भाई फटाफट यहाँ वापस से कुटिया में सोना पड़ेगा इतने आलीशान बंगले होने के बावजूद। एंड वापस से चलते हैं अपने एक्सपी फार्म पे, क्योंकि वैसे तो हमने 64 कलेक्ट कर लिया लेकिन एक्सपी देख सकते हो। लेकिन आप लोगों को दिखा दें एक चीज़ कि शायद आप लोग देखो, क्योंकि कुछ एक्सपी वाले वापस से आ गए, इन्हें मार देते हैं पहले। तो भाई मैं दिखाने आया था ये कि जल्दी मरो ना भाई, थोड़ी थोड़ी देर पे मरते हो। एक तो अपना एक्सपी फार्म पूरी वर्क नहीं कर रहा है और ये सब मिले हमको सामान, देख लो भाई इतना कुछ मिल चुका है। एक्सपी फार्म बनाने का ये फ़ायदा हो गया है। लेकिन भाई एक्सपी फार्म से मैंने काफ़ी, यहाँ पर रहो ना तो वर्क कर रहा है, लेकिन मैं दो घंटे रह के यहाँ पर इसको वर्क करवा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, दो घंटे रहो फिर जाके वर्क होगा और फिर जाके वहाँ से मुझे एक्सपी मिलेगी, तब जाके केवल इतनी कलेक्ट हो पाई है। 65 के करीब है अब, इतनी डेढ़ दो घंटे की मेहनत है, सोच रहो। चलो भाई अब चलते हैं वापस अपने, क्या है ये इंचेंटिंग रूम, यहाँ वापस से और अपने सारे आर्मर को इंचेंट करने का वक्त आ गया है गाइस। जी हाँ गाइस, ये वो क्षण है जहाँ पर हम अपने सारे आर्मर पर लगाएंगे इंचेंटिंग। तो सारे आर्मर को इंचेंट कर लेते हैं और सारे आर्मर को इंचेंट करने के बाद हमको बनाना है एक बहुत बड़ा पुतला, जो भी कहो। फिलहाल स्ट्रॉन्ग हॉल ढूंढने के लिए हमें एंडरपल भी ढूंढनी पड़ेगी। वैसे हमारे पास 2-3 एंडरपल पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें कितनी ढूंढनी पड़ती है, जो भी है हम 15-20 से नीचे नहीं लेके जाएंगे और ज़्यादा खर्ची नहीं करेंगे हम एंडरपल को, कि भाई हम हैं बहुत वो क्या कहते हैं उसके कंजूस आदमी। हाँ भाई फाइनली हमारा मिशन इज़ कम्प्लीट नाउ, और आज कैरेक्टर थोड़ा अलग दिख रहा हो तो सॉरी, वो इंचेंट होती है लेकिन अभी इन सबको नहीं करना इंचेंट। तो भाई कैरेक्टर थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि कई बार मैं ऑफलाइन खेलता हूँ इसको। फिर उसके बाद मैं सोने आ जाता हूँ, सोने आने के बाद भाई अब सो के उठ चुका हूँ, तो फटाफट चलते हैं। तो भाई यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ आने के दरवाज़ा खोलता हूँ, जॉम्बी विलेज आता है। पहले तो मैं सोचता हूँ दो हिट मारने के बाद सोचता हूँ इसे लॉ बचा लूँ, कॉबल स्टोन रखने लगता हूँ कि बचा लूँ, लेकिन ये साला मारता जाता है इसलिए मार डालता हूँ। कहता हूँ क्या करूँगा इसका, वैसे भी मैं वहाँ तो विलेज आई। फिर मैं अपने कासल में आता हूँ और फिर नेदर पोर्टल को देख रहा होता हूँ, फिर उससे पहले मैं
मैं यहाँ चेस्ट में देखता हूँ कि कुछ खाना वाना है कि नहीं, और साथ में मैंने ब्लेज रॉड तो रखी थी। तो भाई लिटरली मेरे को बिल्कुल खाना नहीं मिलता। फिर मैं सोचता हूँ अरे इतना खाना ठीक है, चलो नेदर चलते हैं। फिर सीधे मैं नेदर में घुस जाता हूँ। फिर नेदर भाई अपना वही लोड होगा नेदर, और क्या भाई बहुत टाइम लगाने के बाद लोड होता है। मैं सीधे यहाँ पर पहुँचता हूँ एंड फिर यहाँ लावा वावा अब की बार बच के जाता हूँ। यहाँ पे क्लीन भाई मिलते हैं, फिर मैं भाग करता हूँ इसको मारते पहले खत्म करते हैं। अब की बार इसने तीन तीन दे दिया। फिर उसके बाद भाई मैं इसको सोचता हूँ अब तो फूड की कमी नहीं है, एक और मिलता है इसको भी मार, तो इसने भी टिन टिन दे दिया। मैं कहा फिर भाई पहले वो एक क्यों दे रहा था। फिर मेरे को याद आता है कि हाँ वो टिन टिन दे रहे होते हैं, लेकिन मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये पिगलिन भाई मेरे को मारने आए होते हैं, खुद ही मर जाते हैं। भाई कहता हूँ ना आओ मत मारो। फिर मैं फोर्ट्रेस ढूंढने, फोर्ट्रेस या जो भी है उसका नाम ढूंढने निकलता हूँ, और लिटरली मैं इस जगह पर पहुँचता हूँ। यहाँ गोल्ड स्टोन दिखता है, इसे तोड़ने लगता हूँ मैं। तो भाई बहुत ज़्यादा ही मिल जाते हैं कम से कम आते, लेकिन ये पिगलिन भाई के यहाँ क्या करने आ गया, मेरे को मारने आया है भाई, तू बचेगा नहीं। तो भाई इसको सबसे पहले निपटाते हैं। और ये दूसरा बंदा भी आ गया भाई साहब, तू बचेगा नहीं बिल्कुल, चाहे जो भी कर ले बचने नहीं दूंगा। ओ भाई मेरे को लिटरली गोल्ड दिखता है, मैं सीधे लूटने पहुँच जाता हूँ। लेकिन क्या हो रहा है भाई, माइनक्राफ्ट लिटरली मेरा गेम पता नहीं क्या हो गया था, मेरा गेम लैग कर रहा था, मतलब इतना ज़्यादा वो मतलब ग्लिच हो गया था माइनक्राफ्ट में। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा वेट कर करके तोड़ लेते हैं, तो फिर मैं थोड़ा वेट कर करके तोड़ रहा होता हूँ भाई। फिर मेरी लिटरली भाई मेरी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि भाई लिटरली ये बार बार मैं तोड़ रहा हूँ, ये बार बार लगा जा रहा है। फिर मैं आखिरी में इसको तोड़ फोड़ता हूँ, तोड़ता हूँ फोड़ता हूँ भाई। और फिर उसके बाद मेरे पास कलेक्ट होते हैं, फिर मैं आगे तोड़ता हूँ और मेरे को और गोल्ड ब्लॉक दिखते हैं, मैं और तोड़ता हूँ। और लिटरली मेरा माइनक्राफ्ट ग्लिच कर रहा था और मैं तोड़ता जा रहा था, ग्लिच तोड़ ग्लिच तोड़ ग्लिच तोड़, और यही कर रहा था भाई मैं लिटरली। और फिर उसके बाद मैं फिर भाई मैं ऊपर से तोड़ते हुए नीचे जा रहा होता हूँ, और फिर मेरे को एक पिगलिन मिलता है, मैं उसको फिर मारता हूँ अपनी स्वैड से। ओपी स्वैड से मारने के बाद मैं देखता हूँ एक चेस्ट है, उस पर जाता हूँ, तो ये भाई बैठा होता है एक और पिगलिन, इसको भी धड़ाधड़ मारता हूँ और चेस्ट ओपन करता हूँ, और वैसे ही मेरे को तीन नेदर राइटिंग दिखते हैं। मैं पागल हो जाता हूँ भाई, लिटरली मैं पागल भाई, इतना खतरनाक कौन देता है। फिर एरो भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाद में काम आ सकती है। फिर गिबी सेनेस ज्वाइंट होता है, उसे किक करके मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि भाई ये अपनी पर्सनल एंडेड डे है, तो उसमें किसी को नहीं आने देता। और फिर मेरे को वही गोल्ड ब्लॉक मिल जाते हैं, फिर लिटरली सारे गोल्ड तोड़ लेते हैं यहाँ से फटाक से। तो फटाफट सारे गोल्ड तोड़ते हैं, और भाई जैसे ही मैं सारे गोल्ड तोड़ता हूँ मेरे पास टोटल काफ़ी सारे हो गए होते हैं भाई। और फिर और मुझे मिलते हैं गोल्ड तो मैं और तोड़ता हूँ, वहाँ काफ़ी सारे पिकलिन होती है जिनके सामने गोल्ड तोड़ना इम्पॉसिबल, बट मेरे पास इम्पॉसिबल आर्मर है, तो इसलिए उससे मैं मारता हूँ उनको और अपने गोल्ड ब्लॉक तोड़ता रहता हूँ, और तोड़ लेता हूँ काफ़ी सारे गोल्ड ब्लॉक। और फिर ये गोल्ड ब्लॉक जो तोड़ता हूँ वो लावा में गिर जाता है, लिटरली मुझे नहीं मिलता है, मैं बहुत दुख होता है यार। फिर उसके आगे तोड़ रहा होता हूँ, और मुझे यहाँ एक चेस्ट दिखती है, मैं चेस्ट में आता हूँ, एक गोल्डन एप्पल। मैं इतना खुश नहीं हुआ क्योंकि गोल्ड मेरे पास बहुत है, बस एप्पल ही की कमी थी। तो मुझे आगे और कुछ गोल्ड ब्लॉक दिखते हैं जिसको लेने के लिए मैं ऐसे ऐसे करके जाता हूँ, और यहाँ पर आके तोड़ता हूँ और काफ़ी सारा गोल्ड ब्लॉक मिलता है। फिर तोड़ता हूँ, इस पिगलिन आता है, पिगलिन को मारता हूँ, यहाँ से लावा बंद करके गोल्ड ब्लॉक तोड़ता हूँ, और पिगलिन को मारते मारते उनकी हालत ख़राब करता हूँ। लेकिन मेरी भी HP बहुत बार लो हो चुकी थी, और बहुत बार मुझे और एक और बार मेरे को मिलती है चेस्ट जिसके अंदर फिर से तीन नेदरराइट इंगट। भाई लिटरली भाई मैं क्राई कर दूंगा। और आगे एक और चेस्ट, और इसमें 11 गोल्ड ब्लॉक, 3 नेदरराइट इंगट और एक डायमंड की पिकस जिस पे फॉर्चून 1 और बाकी कुछ लगा हुआ है। भाई लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई कि क्या है, मेरे पास टोटल 9 नेदरराइट इंगट हो गए हैं जो कि ज़रूरत थी जितनी भी थी, और लिटरली एक और डायमंड पिकस गोल्ड ब्लॉक स्वैड और 13 नेदरराइट इंगट टोटल हो गए मेरे पास यहाँ, और कुछ मिल गया भाई साहब लिटरली 4 नेदर। और भाई साहब फिर 3 नेदरराइट इंगट मिल गए इस चेस्ट में, और कुछ गोल्ड ब्लॉक और एक डायमंड की चेस्ट प्लेट। तो भाई आपकी फिर आगे चेस्ट मिलती है 2 नेदरराइट इंगट। तो आप लोगों को लग रहा होगा भाई मैं केवल चेस्ट फिर चेस्ट लूटता जा रहा हूँ, लेकिन भाई इन चेस्ट को लूटने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, वो तो मैंने पार्ट ट्रिम कर दिया है, क्योंकि भाई पार्ट ट्रिम ना करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि इस नेदर में मैंने लमसम 2.5-3 घंटा बिताया भाई। और फिर मैं इस पिगलिन को ट्रैप करने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरी इस पिकैक्स से भाई इतनी कस के टूट रहे होते हैं भाई, मेरे को लगता है भाई क्या है। और फिर इसको मैं गोल्ड देता हूँ, ये सामान फेंक रहा होता है, मैं कहता हूँ भाई जल्दी कल सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी दे दे मुझे इंटर आई। और फिर मेरे इंटर आई जैसा दिखता है, मैं अपने सामान फेंकता जाता हूँ और 45 गोल्ड आ जाता है, मैं उसको फेंकता हूँ पोषण। फिर मैं कहता हूँ क्या फेंकूँ, फिर मैं उसके बाद ये फेंक देता हूँ उसको एक्सक्यूज या जो भी है। फिर मेरे को 16 इंडरपल मिल जाते हैं, एक और फेंकता हूँ फिर 16 इंडरपल। मैंने कहा बस हो गया तेरा, तू गोल्ड रख ले। फिर मेरी लालच आती है, मैं कहता हूँ अपना गोल्ड वापस ले जाऊँ क्या,
तो इसलिए मैं वापस आता हूँ और गोल्ड लेता हूँ और वापस अपने घर आ जाता हूँ गाइस। घर आने के बाद मैं कासल में जाता हूँ और कासल में जाने के बाद अपना सारा गोल्ड ब्लॉक रख देता हूँ। मिलियन मुझे 2 स्टैक गोल्ड मिल गया यहाँ से और 15 गोल्ड ब्लॉक एक्स्ट्रा। जो बुक्स मिली होती उन्हें भी रख देता हूँ और ये मैं फिर उसके बाद मैं एक सिप फार्म बनाता हूँ, तो उसे एंजॉय करो। एंड भाई सॉरी गाइस, ये वो सिप फार्म नहीं वुल फार्म है। और ये देखो यहाँ मैंने एक एरिया बनाया था और ये सब जो एरिया बनाया है इस वजह से यहाँ मॉब स्पॉन होते हैं, रात में मॉब और दिन में सिप वगैरह, तो इस वजह से मेरे को ये बनवा पाया वुल फार्म। और काफ़ी डाई से मैंने काफ़ी सारे सिप को अलग अलग कलर में कर दिया। देखो ये एकदम वर्किंग है इसलिए ये दिखा दिया, वापस ऊपर छोड़ के इधर साइड में ढकेलूँगा आपके पास। एंड ये देखो भाई इधर आ रहा है आराम से, ये आते ही जा रहा है भाई, लिटरली भाई एकदम वुल फार्म वर्किंग है। और ये वुल फार्म मैंने एक स्टैचू बनाने के लिए किया है, तो हमारे गॉड है भाई क्रीपर गॉड, हम क्रीपर को गॉड मानते हैं तो इसीलिए उसका एक स्टैचू बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, सेकंड वीडियो में। तो इसलिए फिर मेरे को मिलता है पोलर बियर, तो भाई पोलर बियर मेरे को मारने लगता है, फिर मैं इसे कैड करने के लिए भाई ये बड़ा सा पहाड़ बना देता हूँ, फिर इसको मैं काफ़ी टाइम तक इधर उधर भगाता रहता हूँ और काफ़ी सारे मिल जाते हैं मेरे को, फिर एक से भले दो होते, दो से भले तीन, तीन से चार, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे को मार रहे होते भाई, कैद ही नहीं हो रहे होते, फिर भी मैं किसी तरह से इन लोगों को कैद कर देता हूँ। हाँ भाई ये लोग कैद कर चुका हूँ, साथ में एक लामा भी कैद कर लिया मैंने विलेजर के साथ। फिर इसको मार्टो स्पाइडर को दिखा, देख लो भाई ये कॉर्पोला भी मिलता है, इसको टेम करने की कोशिश करता हूँ फिर से, लेकिन ये टेम ही नहीं होता है और मेरे को मार इतना ही जा रहा होता है, मैं मारने की कोशिश करता हूँ इसको, फिर इसलिए मैं भाई लिटरली मैंने मारा भी था एक दो पंच इसको, फिर मैं वुल्फ फार्म में आ जाता हूँ भाई को, कि पता नहीं क्यों क्या माइनक्राफ्ट का ग्लिच हो गया था, मेरे को डैमेज पड़ रहा था, मैं वुल फार्म के अंदर था और वो वहाँ इतनी दूर फिर भी डैमेज पड़ रहा था। तो मैं सोचता हूँ आज की वीडियो यहीं खत्म करते, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए 20 लाइक का एम कंप्लीट कर दो भाई।